वो नचनिया बजनिया है उनको केवल देखने के लिए, नचनिया बजनिया के देखने के लिए तो पूरा जमात टूटता है, वही उनको नचनिया बजनिया को देखने के लिए ओनली फॉर टीम है। यादव का अगर क्यों नेता है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव है, नहीं तो इसके बाद कोई नहीं। महिलाओं के मान सम्मान अधिकार के जरूर साल पर जरूर सुरक्षा मिलेगा। महीने में आपको बदलाव लगा, आपको लगा बदलाव? आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हमें तो लगा पप्पा आए हैं भूख में, नौकरी मिलेगा एकदम खटाखट खटाखट खटाखट। आप जब पता लगा चटाचट चटाचट काराकाट में जीतेंगे तो सिर पर राजा राम जीतेंगे। अभी ना खुद बोले कि बदलाव करेंगे, आपका बदलाव दूसरा करेंगे, हमको पूरा संपूर्ण विश्वास है कि बदलाव करेंगे। कहां ही थी, हम सभा में आए थे, चुनाव है। तेजस्वी जी को सुनी? हाँ सुने। क्या बोले आज? आज बोले कि युवा के नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और यहाँ से भाजपा के भगाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस बार भाजपा भाग जाएगी यहाँ से? भाजपा इस बार जरूर भागेंगे, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, छेड़खानी महिला के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, तो ऐसा सरकार रह के क्या करेगा? क्या लगता है आपको कि तेजस्वी आएंगे तो ये सब चीज खत्म हो जाएगा? तेजस्वी आएंगे तो ये जरूर है कि महिलाओं के मान सम्मान अधिकार के जरूर साल पर जरूर सुरक्षा मिलेगा। क्या लगता है भैया कौन जीतेगा? तेजस्वी यादव जीतेंगे। तेजस्वी यादव को क्यों जिताना चाहते हैं? क्योंकि युवा नेता है, वो रोजगार देंगे। रोजगार क्यों? मोदी जी के राज में आप लोग को रोजगार नहीं मिला? नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। क्या लगता है कौन जीते? 40 में 40 बिहार में आरजेडी। आरजेडी क्या लगता है भैया कौन जीतेगा? तेजस्वी भैया जीतेंगे, इसमें शक है आपको? नहीं, कैसे मतलब क्या लगता है कि तेजस्वी के आने से बदलाव होगा? 17 महीने में आपको बदलाव लगा? आपको लगा बदलाव? आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हमें तो लगा पप्पा आए हैं धूप में, ठीक है, छोड़ के आया। इस बार आपको क्या लगता है तेजस्वी बिहार में क्या होगा? तय है एकदम, तय है, देख लीजिएगा, तेजस्वी तय है एकदम। बढ़िया, क्या क्या बोले आज तेजस्वी जी? आज क्या क्या बोले? क्या क्या बोले था? सिर्फ रोजगार के बारे में बोलते हैं और किसी के बारे में नहीं। वो लोग चारा घोटाला किया युवाओं के लिए। क्या क्या बोले युवाओं के लिए? कहा कि तुम पढ़ो और नौकरी की चिंता मत करो, हम है तो देंगे। तेजस्वी जी का दावा है कि नौकरी मिलेगा? दावा है तो देंगे। क्या लगता है अंकल कौन जीतेगा? राजा राम जी जीतेंगे यहाँ से। राजा राम जी भारी बहुमत से जीतेंगे। संविधान बचाने के लिए है, गरीब गुरबों के हक अधिकार देने के लिए है, शिक्षित नौजवानों को रोजगार देने की बात है, इसे राजा राम जी को कोई नहीं रोक रहा है। क्या लगता है किसको कौन जीतेगा? राजा राम को, विजय है झंडा राजा राम को। कोई नहीं रुक रहा, कोई नहीं रुक रहा, आज कोई रोकने वाला नहीं। आज आप लोग तेजस्वी जी को सुने, क्या बोले तेजस्वी? तेजस्वी जी के आज भी सुने, पहले भी सुने। तेजस्वी जी धरती के नेता है, नौजवानों को नौकरी दिए और देने के वादा भी है, अभी जीतेंगे तो और देंगे। अब भविष्य का यही नेता रहेंगे बिहार के, और राजा जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। देखने दीपंकर भट्टाचार्य तेजस्वी जी को सुने आज, लालू जाने को सुने। तेजस्वी फसल तेजस्वी को नहीं सुने आज? नहीं, सिलेगा आज। क्या क्या तेजस्वी बोले आज? हमारे नीमा फील्ड दाऊद नगर में, मेरा नाम उपेंद्र कुमार, औरंगाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ, गोथाना। हम इन साल अबरी वोट तेजस्वी जी को देंगे। क्यों देंगे तेजस्वी को वोट? तेजस्वी जो कि हमारे इंडिया गठबंधन के काराकाट क्षेत्र के सांसद बनने वाले हैं, 3 तारा वोट है उनका, 2 नंबर बटन पे, और वो हम हमारे इंडिया गठबंधन जिताओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र। यहाँ तो कहा जा रहा है काराकाट में त्रिकोणीय हो गया है, तो लगता है कौन जीतेगा? काराकाट में जीतेंगे तो सिर्फ राजा राम जीतेंगे। इंडिया में त्रिकोणीय है ही नहीं, बस पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जो है 1-2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। राजा राम जीतेंगे, सिर्फ जीतेंगे तो राजा राम जीतेंगे, सिर्फ जीतेंगे तो राजा। कल खेसारी लाल आए थे कौन के सपोर्ट में? खेसारी लाल सिंगर है, खेसारी लाल को सिंगर लाइन में है। यादव समाज का वोट जाएगा? यादव यादव समाज का वोट उनके तरफ से नहीं जाएगा। खेसारी लाल भी वोट अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं राजा राम। आरजेडी के आने से मतलब युवाओं को रोजगार और शिक्षा मिलेगा? मिलेगा, रोजगार शिक्षा मिलेगा, नहीं मिला है और मिलेगा। युवाओं के लिए क्या कहें? युवाओं के लिए रोजगार देंगे। क्या अब तक मोदी जी रोजगार नहीं दिए थे उनको? तो भाई नौकरी नहीं लिए हैं अभी तक। पेपर लिख पर कुछ बोले तेजस्वी जी? अग्निवीर का 1 मिनट, अगर वो नौकरी देते तो आज यहाँ बेरोजगार नहीं घूरते।
ड्यूटी पर रहते हैं। तो तेजस्वी पर आप लोगों को भरोसा है कि वो आएंगे तो बेरोजगारी 100% भरोसा क्या भरोसा दे कर गए हैं 17 महीना 5 लाख। और पवन सिंह का बताइए, हवा तो चल रहा है पवन सिंह जीत रहे हैं। नहीं राजा राम, अब क्या करना है, अब तो भरोसा दे कर गए हैं, अब खुद पूछ रहे हैं आपके भरोसा दिए हैं कि नहीं, भरोसा दे कर चले गए, 17 महीना में दे दिए। तो पवन सिंह का तो लगातार दौरा हो रहा है, रैलियां हो रही है, युवाओं का बहुत समर्थन है। ओनली फॉर 1 जून 2 नंबर 3 तारा छाप और 4 के न्यूज, मतलब एक तरफा जाएगा, जोड़ लीजिए 1 2 3 4। त्रिकोणीय यहाँ पर नहीं है कोई, यहाँ पर सिर्फ राजा राम। और रोजगार के अलावा, रोजगार के अलावा और तेजस्वी जी क्या बोले, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए शिक्षा में परिवर्तन होगा, जो देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसमें बदलाव होगा। हिंदू मुस्लिम के क्या बात में निकाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई एक समान नहीं है, हिंदू मुस्लिम बात यहाँ ना निकाल लिया, मतलब राजनीति लोग नेता लोग इसी पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, मुद्दा पर बात करो, रोजगार पर बात करो, नौकरी पे बात करिए। पूर्वज कह के चले गए तो हमने दोनों जुके हैं, उनको चल रास्ता पर हमको चलना है, तो बदलाव होगा आप लोग को लगता है। अभी ना खुद बोले कि बदलाव करके गए तो आपका बदलाव दूसर करेंगे, हमको पूरा संपूर्ण विश्वास है कि बदलाव करेंगे, करते रहेंगे, सफाया कर दिए आपका सफाया। तेजस्वी जी आए थे क्या कुछ बोले, वो तो युवाओं का चाहता है, ठीक ना, क्या बोले युवाओं के लिए क्या करने के लिए, युवाओं के लिए बोले कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं की भारत में 1 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और जो मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रहा है, 10 किलो राशन गरीबों के बीच मतलब देने का काम लगता है कि जो तेजस्वी बोले हैं वो होगा, वो जो अपना जो काम पूरा होगा, मतलब वो कभी झूठ नहीं वादा कभी किए हैं और न कभी करेंगे। यहाँ का युवाओं का वोट किसको जा रहा है, यहाँ का युवाओं का वोट 3 तरह पर राजा राम सिंह को जा रहा है, और जो भी पवन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो वो सब कहीं टक्कर में नहीं है। खेसारी लाल बोल रहा है कि पवन सिंह के समर्थक बहुत ज्यादा है, नहीं है वो नचनिया बजनिया है, उनको केवल देखने के लिए, नचनिया बजनिया के देखने के लिए तो पूरा जमात टूटता है, वही उनको नचनिया बजनिया को देखने के लिए टूट रहा है। सिर्फ अगर यहाँ कोई टक्कर में है ही नहीं, एक तरफा 5 लाख वोट से जीतेंगे राजा राम, सफाया तय है बिहार से नहीं पूरा इंडिया से सफाया तय है। और क्या क्या बोले तेजस्वी जी, रोजगार के अलावा और क्या उनका मुद्दा था, और क्या बोले, रोजगार देने, हम लोग तो बेरोजगारी है तो रोजगारी के लिए ना हम लोग मांग करेंगे, रोजगार के लिए बोले, जो गरीबों पर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, अगर उनका सरकार बनता है तो गरीबों को शोषण अत्याचार से वंचित करेंगे। और आप लोग को पूरा विश्वास है कि अगर नेता है तो सब आते हैं, सब वादा करते हैं, तो क्या लगता है तेजस्वी आएंगे तो बदलाव होगा, जैसे हमको एक बार वादा किए तो वो हमको पूरा कर चुके हैं, जैसे बोले थे कि अगर मेरा सरकार बनता है तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो उनका 17 महीना के सरकार में वो 5 लाख नौकरियां देने का काम किए, तो हमको पूर्ण विश्वास है भविष्य में आएंगे तो देंगे ही देंगे, ध्यान से पक्की है 100% तो कहाँ है अंकल, कहाँ पर आए हैं, दाऊद नगर पर आए, कहाँ, यहाँ किसका सभा था आज, राजा राम बाबू के, क्या लगता है कौन जीतेगा, हवा किसका है, राजा राम बाबू का है, जीत जाएंगे राजा राम, जीत जाएंगे। आज तेजस्वी जी आए, सुने, खूब सुने, क्या बोले तेजस्वी जी, तेजस्वी बोले कि सत्ता परिवर्तन कीजिए, चोर सरकार को भगाइए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के राज में चोरी हो रहा है, बीजेपी खाली भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार है बीजेपी में, कोर्ट में नहीं आए थे, खेसारी लाल को इसलिए बुलाया गया था कि यादव वोट बैंक को हम तोड़े, लेकिन यादव मूर्ख नहीं है, यादव के नेता अगर कोई है तो लालू प्रसाद, खेसारी लाल के आने से तो कहा गया कि जितना भी यादव है सब उनके तरफ जा रहे हैं, यादव का अगर क्यों नेता है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव है, नहीं तो इसके बाद कोई नहीं करना, अपना करें, ठीक है, अभिनेता के तौर पर लोग देखने आ रहे हैं, बस देखने आ रहे हैं और कुछ नहीं, नहीं।